हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड वन, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 22। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लेबल द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको इन फॉलोइंग पिक्चर्स को क्या करना है, लेबल करना है बाय राइटिंग इनसाइड द सर्कल। और इसके अंदर बीच में ये जो कॉलम दिया है ना, उसके सर्कल दिए हैं, उसके बीच में उसके कॉलम्स को लिखना है कि कौन से नंबर का है। कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स ऑफ नेम फॉर प्लेस एट टाउन। और आपको ये जो डिजिट्स दिए हैं ना, 1 2 3, वो उस पिक्चर से मैच करते हुए उसके सामने लिखनी है। तो देखिए, फर्स्ट इज गुरुद्वारा। अब आप देखिए, गुरुद्वारा का पिक्चर कहाँ दिख रहा है आपको, इट इज द पिक्चर ऑफ गुरुद्वारा। देखो, सिख लोग जो हैं वो प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं गुरुद्वारा में। ओके, फर्स्ट लिख देंगे हम, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो 1 नंबर पे। सेकंड, सिनेमा। सिनेमा हॉल होता है ना जहाँ मूवी देखने जाते हैं, तो कहाँ है, देखो ये ऑडियंस बैठी है, ये सिनेमा हॉल का पर्दा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। थर्ड, गैरेज। गैरेज कहाँ है, क्या होता है गैरेज, जहाँ कार ठीक होती है। फाइन, तो ढूंढिए गैरेज कहाँ है, ये रहा गैरेज, कार खड़ी है ना, तो यहाँ पे कार ठीक होती है, इट इज कॉल्ड अ गैरेज। फोर्थ, फायर स्टेशन। क्या होता है फायर स्टेशन, जब आग लग जाती है ना तो फायरमैन आते हैं उसको बुझाने के लिए, आपको लगी हुई आग को, तो फायर स्टेशन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा फायर स्टेशन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर डाल देंगे। देखो गाड़ी भी है ना, आग बुझा रहे। नेक्स्ट, फिफ्थ, बुक शॉप। बुक्स की शॉप कहाँ दिख रही है आपको, ये रही, लिखा है देखो बुक शॉप, तो हम यहाँ पे 5 नंबर लिख देंगे। सिक्स, हॉस्पिटल। ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये रहा हॉस्पिटल, डॉक्टर भी खड़ा है और नर्स भी खड़ा है, खड़ी है, नर्स डॉक्टर दोनों खड़े हैं। सेवेंथ, रेस्टोरेंट। ये सबसे इंजॉयबल लगता है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ जाते हैं खाना खाने, कुछ नई नई डिशेस खाने। फाइन, ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये काउंटर है, क्लियर, तो हम यहाँ 7 नंबर लिख देंगे। एट्थ, ग्रॉसियर स्टोर। वो स्टोर जहाँ से हम परचूनी का सामान खरीदते हैं, तो ग्रॉसरी स्टोर कहाँ है, ग्रॉसरी स्टोर, टिल मी ढूंढो, ये रहा। आजकल के क्या करते हैं, छोटे बच्चों को स्ट्रॉली पे बिठा देते हैं, है ना, और मम्मा डैडी जो है आराम से घूमते घूमते इस पूरे ग्रॉसरी स्टोर से शॉपिंग कर लेते हैं, सारा सामान खरीद लेते हैं जो भी नीडेबल थिंग्स होती है घर में यूज़ करने के लिए। ओके, सो हम ग्रॉसरी स्टोर का 8 नंबर जो है वो यहाँ लिख देंगे। ओके बेटा, सो आई होप वर्कशीट 22 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ फ्रूटफुल डे।